हेलो गाइस, दिस इज शहबाज फ्रॉम टेक एरी चैनल को। आज जो बात करने वाला हूँ कि अमेजोन पे बिना क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड आपके पास हो या ना हो, आप परचेज कर सकते हो ईएमआई के जरिए और नॉट। कैसे करोगे, आप किस तरीके से करोगे, क्या है पूरी जानकारी, क्या है प्रोसेस इसका, क्या कंप्लीट तरीके से नॉलेज मैं उसको आपको देने वाला हूँ किस तरीके से। हालांकि जिन लोगों के लिए जानकारी ये नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि उनको पहले से पता होगा, अगर उन लोगों के लिए जानकारी होगी तो प्लीज़ वो लोग भी कर सकते हो ट्राई दोबारा से। अगर उन लोगों को भी नहीं पता है, कि जिन लोगों को अभी नए व्यूअर हैं, नए तरीके से अगर उनको पता है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो लेना चाहते हैं ईएमआई के जरिए, तो किस तरीके से कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज़ कि आज है गणपति विसर्जन, जो मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार होता है फेस्टिवल, वो उसकी वजह से आज देख रहे हैं कि हर छोटे छोटे नुक्कड़ शहर पर भी उनकी जो विसर्जन की पूजा का अर्चना होता है, जो पूजा पाठ होती है, उन चीज़ों की आवाज़ शोर शराबे से होती है। तो वो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ आ रही है, अगर इसके वजह से आपको डिस्टर्ब होता होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसके लिए तो और आगे चल के मैं बताता हूँ कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या अपडेट हैं। तो हालाँकि यहाँ पर जो अपडेट आ रही है, ई कॉमर्स कंपनी अपने सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स को देखते हुए या फिर उसके प्रोसीजर को देखते हुए ई कॉमर्स कंपनी का अमेज़न इंडिया नया फीचर लाया है। ये अमेज़न आपको बिना क्रेडिट कार्ड के सामान खरीदने का मौका दे रहा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया का नया फीचर लाया है, जो अमेज़न आपको बिना क्रेडिट कार्ड के सामान खरीदने का मौका दे रहा है। इसको पता ही होगा सभी लोगों को, इस फीचर का नाम है क्या, अमेज़न पे ईएमआई है। दरअसल अमेज़न इस फीचर्स के उन यूजर्स के लिए लाई है जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में उसके फीचर्स के साथ अब वो यूज़र जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो भी ईएमआई पर खरीद सकते हैं आराम से। तो क्या है अमेज़न पे ईएमआई, वो डिटेल में यहाँ पे है। हालांकि इसमें जो अमेज़न ईएमआई फीचर्स पे आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड मिलता है, मतलब तुरंत क्रेडिट मिलता है, ना कि कार्ड कोई मिलता है, जिसमें आप ईएमआई पर सामान खरीद सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड का लिंक करना होगा। इसमें ईएमआई किस्त में आपको अपने डेबिट कार्ड से कट जाएगी। हालांकि एक तो ज़रूरी आपको होना है डेबिट कार्ड, उससे लिंक करेंगे ताकि वो आपका हर मंथली जो भी ईएमआई आप उस पर लगाओगे, जो भी आप लेना चाहते हो, वो डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अमेज़न पे ईएमआई की सुविधा जिन बैंक अकाउंट्स मिल रही है, उनमें कौन कौन से बैंक है मैं आपको भी बता रहा हूँ। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक और सिटी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल है। कितने महीने में ईएमआई भरनी होगी वो भी डिटेल में जान लीजिए। यूजर्स को अपने ईएमआई भरने के लिए 3 महीने से लेकर 12 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। मतलब आपको जैसे सेम क्रेडिट कार्ड का मिलता है, सेम है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, 3 महीने तक का, 12 महीने तक का, मतलब 1 साल तक का टाइम मिलता है इसमें। और इसमें जो अमेज़न ईएमआई पे के बारे की जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, कितने से क्या है, कितने क्रेडिट आपको मिल सकता है, कितने तक का आप परचेज कर सकते हो। तो इस पे सबसे पहले आप 8,000 रुपये से लेकर 60,000 तक की खरीदारी कर सकते हैं, राइट। ये जो मतलब आपको फैसिलिटीज मिल रही है अमेज़न पे ऐप पर ही मिलेगी, ठीक है, ऐप पर ही काम करती है ये सुविधा। सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफर पर काम नहीं करती, मतलब अगर कोई एक्सचेंजेबल चीज़ आप करते हो तो उस पर आपका बिल्कुल ही वैलिड होगा, मतलब आपको वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा कुछ, मतलब नहीं कर सकते आप। और सरकार भी इस तरीके से ना गारंटी तक के 10 लाख तक का लोन भी दे सकती है बिना गारंटी के, ठीक है। ऐसे मिलेगा आपको किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, अमेज़न पे ईएमआई पर रजिस्टर करने के लिए आपको अपना आधार और पैन नंबर देना होगा। ये तो आप तो जानते हैं, सब कुछ आपको मैंडेटरी, हर चीज़ें में आपको लगता ही लगेगा भी उसमें, ठीक है। अपना आधार और पैन नंबर देना होगा। इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आएगा। OTP नंबर के इंटर करने के बाद आपको आपके अकाउंट में वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड का जो जैसा भी वेरिफिकेशन होता है, इसलिए मोबाइल नंबर का OTP आएगा। OTP का इंटर करने के बाद अकाउंट में अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरीफाइड हो जाने के बाद इसके बाद लैंडिंग पार्टनर के जरिए आपका क्रेडिट लिमिट तय होगी, मतलब जो भी आपका पार्टनर होगा, जो भी तरीके से अमेज़न पे कर रहे हो तो वो अपना समझेंगे, आपका क्रेडिट तय हो जाएगी कितने तक कि आप शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें है, उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट तय होती है जिसमें भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ईएमआई किसकी ऑटो और रिपेमेंट, मतलब जो रिपेमेंट होता है, मतलब आपका जो बार बार पेमेंट करते हो, इसके आपको एक अपना डेबिट कार्ड लिंक करना होगा तुरंत ही,
ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो जैसे तुरंत करने के बाद ना, मतलब दो ही एक दो मिनट में आपको वहाँ पे अकाउंट में आ जाएंगे लगभग 10,000। बस करना का ही, मतलब जो भी है, जो भी क्लिक, सपोज अगर 10,000 का होता तो करेंट क्रेडिट हो जाता है। तो इसके भी थोड़ा थोड़ा मतलब वरी जो भी है आपको किस तरीके से आप कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, तो वो भी यहाँ पे मैं डिटेल्स में जो भी आएगा बता देता हूँ किस तरीके से। एनएफटी ट्रांजेक्शन ब्रांच में भी समय पर किया जा सकता है, अगर आप डायरेक्ट आप वहाँ पे करते हो तो जाके आप कर सकते हो बिना आपके ड्यू डेट के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होता बात था कि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता था तब भी आप यूज़ कर सकते थे। अमेजोन पे आसान से जाके आप उस ऐप को मतलब अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद वहाँ सारा फीचर्स दिया रहेगा, आप रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद आपको आपका जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से आसान किस्तों में आराम से बिना कोई हेजेक से, बिना कोई वेरिफिकेशन के, बिना कोई जैसे क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपके घर पे वेरिफिकेशन होता था, वहाँ से अगर परमिट मिलता था तो आपको सक्सेसफुली होता था, वो सब करने से पहले आपको सारी चीज़ यहाँ पे घर बैठे मोबाइल पे हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं आपको, डायरेक्ट आप अपने डेबिट कार्ड से लिंक करवाइए ताकि आपका जो EMI होगा वहाँ से कटता रहेगा। बस यही चीज़ है सिंपल सी। अगर और कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है तो मैं आपको इसके अपडेट देता रहूँगा। हालाँकि बहुत ही ऐसी चीज़ है, आपको लोग यूज़ करिए। और भी कोई अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और है तो मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका क्या फायदा, क्या अपडेट है, क्या नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मुझे बताइए, मैं हो सकूँ दूसरा वीडियो बना दूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।